दोस्तों मैंने देखी एक हॉरर मूवी, फुल हॉरर नहीं थी, हॉरर प्लस कॉमेडी के साथ थी, जिसका नाम है अरामनी 4। और ये अरामनी सीरीज की चौथी इंस्टॉलमेंट है, आगे कितनी आएंगी मुझे नहीं पता। और ये मूवी जो है तमिल रीजन से बिलोंग करती है। और अगर बात करूँ इस मूवी के बारे में, तो मैंने इस मूवी के हीरो की जो है ज़्यादा मूवीज नहीं देख रखी हैं, अप्रॉक्स एक दो ही देख रखी होंगी। और अगर मैं बात करूँ इस मूवी के फीमेल कास्ट की, तो भाई इसमें साउथ की दो पॉपुलर हीरोइनें देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें एक तमन्ना भाटिया है और भाई एक राशि खन्ना है। और इस मूवी में जो स्टोरी दिखाई गई है वो पिछले अरामनी पार्ट 3 से रिलेटेड है, पर ज्यादा नहीं है। अगर आप लोगों ने पार्ट 3 नहीं भी देख रखा है, तो भाई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, आप फोर्थ पार्ट डायरेक्ट देखो, आपको फुल मूवी समझ में आने वाली है। थोड़ा सा हल्का सा रिकैप भी दिया जाता है पिछले पार्ट का। मूवी की स्टोरी में हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है, जो कि शहर में वकील का काम करता है। हमारे हीरो की बहन दिखाई गई है तमन्ना भाटिया, जो कि अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ गांव में रहती है। हमारे हीरो को एक दिन खबर मिलती है कि भाई उसकी बहन ने जो आत्महत्या कर ली है और उसके हस्बैंड की भी मृत्यु हो गई है। इसलिए हमारा हीरो चला जाता है गांव में, पर वहां पे जाके उसे शक होता है कि भाई उसकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती है, इसलिए वो छानबीन करना स्टार्ट कर देता है। अब भाई सच में आत्महत्या की है नहीं की है, इसमें हॉरर स्टोरी कहां से आते हैं, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को मूवी देख के पता चल जाएंगी। टोटल मूवी जो है 2 घंटे के आसपास देखने के लिए मिलती है, और मूवी का जो फर्स्ट हाफ है सिर्फ आपको सेटअप किया जाता है, कॉमेडी के साथ हल्का फुल्का हॉरर दिखाया गया है। और फर्स्ट आप देखते टाइम आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हो कि आखिरकार भाई आत्मा कौन है, घोस्ट कौन है, ये सारी चीजें लेके आप थोड़ा कंफ्यूज जरूर होगे। और जैसे ही हम लोग मूवी के सेकंड पार्ट में पहुंचते हैं, तो हम लोगों को पता चलता है कि भाई असली विलन कौन है, असली घोस्ट कौन है। उसके बाद तो भाई पूरी स्टोरी समझ में आ ही जाती है कि आखिरकार मूवी में हो क्या रहा है। हॉरर मूवीज लगभग बंदों को देखने में अच्छी लगती है, अकेले नहीं देखते हैं, 4-5 दोस्त मिलकर इकट्ठे देखते हैं, ताकि भाई डर भी ना लगे और भाई मजा भी आए। तो भाई बात करूं अगर इस मूवी के हॉरर की, तो भाई ज्यादा हॉरर नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया हॉरर प्लस कॉमेडी है। तो भाई साउथ की बहुत सारी मूवीज जो है इसी तरह की बनती हैं हॉरर के ऊपर, मतलब अच्छी खासी कॉमेडी भी डाल देते हैं और भाई थोड़ा सा हॉरर का तड़का भी लगा देते हैं। तो यूं मान के चलो कि भाई मतलब ठीक ठाक मिला जुला के आपका टाइम पास कर देती हैं। साथ में इस मूवी में पावर्स और घोस्ट को दिखाने के लिए जो भी CGI VFX यूज किया गया है वो नॉर्मल सा है, ज्यादा ना रियल लगता है ना फेक लगता है, मतलब मॉडरेट है। और साथ में ये मूवी जो है थिएटर में हिंदी डब्ड में रिलीज हुई है, तो भाई आप लोग जाके इजिली देख सकते हो, और हिंदी डब भी काफी ज्यादा अच्छी है। इस मूवी को आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। अगर मैं अपने पर्सनली बात करूं, एक वर्ड में बताऊं, तो भाई मूवी एवरेज सी है, ना भाई बहुत ज्यादा तगड़ी है ना बहुत ज्यादा लो है, मतलब ठीक ठाक आपके पैसे वसूल कर देगी। जिसने ये मूवी देख ली है और आप लोगों ने अगर पिछले 3 पार्ट भी देख रखे हैं, तो मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा।